हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड कुछ टॉप मोस्ट 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। शेयर्स के अंदर इश्यू, फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू तीनों कवर किए जाएंगे और डिबेंचर में केवल और केवल इश्यू कवर करने वाले हैं, क्योंकि रिडम्पशन वाला पार्ट नहीं है। प्लस एक बात और याद रखनी है, रिडम्पशन वाला पार्ट नहीं है, लेकिन रिडम्पशन वाली जो एंट्रीज इश्यू के दौरान करनी है वो आरबीएसई फाइनल एग्जामिनेशन में पूछ सकती है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड जो टॉप मोस्ट 100 एमसीक्यूज है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी से रिलेटेड और 100 एमसीक्यूज। टोटल 300 एमसीक्यू हो जाएंगे। उस 300 एमसीक्यूज में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कवर होंगे और 300 एमसीक्यूज के अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप भी कवर होंगे। तो अल्टीमेट इन 300 क्वेश्चन में मैं तैयारी कराने वाला हूँ स्टार्टिंग के 32 नंबर की। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमने एक क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन पब्लिश किया है, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स तीनों के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस क्वेश्चन के अंदर मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। पहले प्राइस कुछ था 449, लेकिन अब हमने प्राइस कर दिया रिड्यूस, जो है कुछ 299। परचेज करने का लिंक, किस तरह से परचेज करेंगे, कौन कौन से फीचर्स हैं, डिटेल में मैंने एक वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। एक बार वो लिंक जरूर ओपन करें और देखें कौन कौन से फीचर्स इस बुक के अंदर हैं। अब बात करें सारे क्वेश्चंस की, इस बुक आज इस लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट जितने भी आरबीएसई ने क्वेश्चंस पिछले 2010 से 2023 तक पूछे हैं एमसीक्यू टाइप, वो यहाँ कवर किए हैं। प्लस 2024 के मॉडल टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यू टाइप, वो भी हमने यहाँ कवर किए हैं शेयर और डिबेंचर में से। तो पहला क्वेश्चन कहता है द कैपिटल विच इज कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी बंद होने वाली है तो कंपनी जो भी कैपिटल मंगाती है उसे क्या कहेंगे, वो अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है, जिसे बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। तो इसका आंसर रहेगा रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वापस एमटीबी 2024 से, आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर हमने कर दिए रीइश्यू, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, तो शेयर फॉरफ्यूचर अकाउंट में जो भी रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल एवरेज टर्नओवर इन 1% कंपनी। ये आया हुआ है लास्ट ईयर फाइनल एग्जामिनेशन में कि 1% कंपनी का मैक्सिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर क्या होगा, वो रहेगा 2 करोड़। मतलब 1% कंपनी अगर हमें एस्टेब्लिश करनी है या फिर प्राइवेट कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट करना है तो क्या लिमिट होना जरूरी है, टर्नओवर मैक्सिमम रहेगा पिछले 3 साल का एवरेज 2 करोड़। अगर 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो जाता है तो वो प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, या फिर अगर 1% कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर जाता है तो वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, इन द एब्सेंस ऑफ एओए, यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉल सिनेरियो, ये क्या इंटरेस्ट रेट फर्म, क्या इंटरेस्ट रेट कंपनी चार्ज करेगी, इन द एब्सेंस ऑफ एओए द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियो विल बी 10% एज पर, कॉल सिनेरियो का इंटरेस्ट रेट है 10% और कॉल्स इन एडवांस का है 12%। यहाँ पूछ रहा है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट किस टेबल में मेंशन है, तो वो है टेबल एफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ कहता है शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर्स कब फॉरफिट हो सकते हैं, ये भी साल 2023 में आया हुआ है। तो शेयर फॉरफिट होगा जब कंपनी ने जो अमाउंट मांगा वो शेयर होल्डर ने पेड नहीं किया, कॉल्ड अप कैपिटल का अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तब कंपनी शेयर करेगी फॉरफिट, तो आंसर रहेगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी इज इश्यूड टू, कंपनी जो भी एनुअल रिपोर्ट बनाएगी वो कंपनी इश्यू करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि वो शेयर होल्डर डिसीजन मेकिंग कर पाए और शेयर होल्डर ये पता लगा पाए हमारे फंड्स का कंपनी क्या यूटिलाइजेशन कर रही है, प्लस कंपनी को कितना प्रॉफिट करंट ईयर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है द ओनर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, कंपनी के ओनर, कंपनी का ओनर रहता है शेयर होल्डर, अदरवाइज क्रेडिटर और लेंडर ये कंपनी के ओनर्स नहीं है, ये है एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन जो एमटीपी 2023 का है लास्ट ईयर का, द डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्टेड कैपिटल, रिक्वेस्टेड कैपिटल मतलब कंपनी ने जो जनता में कैपिटल इशू की, जनता उसके बदले में जो भी कंपनी को पेमेंट कर रही है, तो सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच का डिफरेंस, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इक्वल्स टू कॉल्ड अप प्लस अनकॉल्ड अप, तो अल्टीमेट डिफरेंस क्या होगा, सब्सक्राइब में से माइनस करेंगे कॉल्ड अप तो बचेगा अनकॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, द बैलेंस ऑफ फॉरफ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर फॉलोइंग हेड, कुछ ऐसे आइटम्स हैं इनका पता होना जरूरी है कि कौन सा आइटम किस हेडिंग के अंदर आएगा, तो शेयर फॉरफ्यूचर का बैलेंस हम प्रेजेंट करेंगे शेयर कैपिटल के अंदर, मेजर हेडिंग रहेगा शेयर होल्डर फंड्स, सब हेडिंग रहेगा शेयर कैपिटल, तो ऑप्शन रहेगा शेयर कैपिटल सी। एक बात और,
जो बच्चे इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे एजुकेशन इनसाइट्स ऐप से इस पूरा कंटेंट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के जितना भी हमने लेक्चर डिस्कस किए हैं उन सारे लेक्चर्स का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट इंक्लूड द फॉलोइंग। जो भी बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल में हम अमाउंट ऑफ कैपिटल डिस्क्लोज करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी कैपिटल को करते हैं इंक्लूड। ऑप्शन ए ऑथोराइज, ये नहीं है। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब कंपनी अपने लाइफ में टोटल कितने वैल्यू के शेयर जारी करेगी। इश्यूड कैपिटल भी नहीं है। ऑथोराइज का वह पार्ट जो कंपनी आज जनता में इशू कर रही है। तीसरा सब्सक्राइब एंड पेड अप, जनता ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसमें से कितना पेमेंट कर चुके हैं वो माना जाएगा सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, और यही शेयर कैपिटल के अंदर हम करेंगे शो, और रिजर्व कैपिटल तो आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, अ कंपनी हुज ऑथराइज्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इन 10,000 शेयर्स। एक कंपनी जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 10,000 शेयर्स में डिवाइड है, कंपनी पूरी लाइफ में 10,000 शेयर्स ही इशू करेगी। ऑफर टू द पब्लिक टू अलॉट 8,000 शेयर्स, कंपनी ने जनता में कहा हम 10,000 में से 8,000 शेयर इशू करेंगे। सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आया 7,200। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 7,400, और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड और इशू साइज 8,000 शेयर्स। तो ये कौन सी कंडीशन, एप्लीकेशन आई है कम, शेयर्स जारी करने वाले से ज्यादा, तो मानी जाएगी अंडर सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन रहेगा भी। और इनकेस यहां पर ये होता कि क्या कंपनी हम शेयर इश्यू कर सकती है, तो याद रखें कंपैरिजन करना है इश्यूड कैपिटल से कंपनी कितने शेयर्स जारी करने की बात कर रही थी। तो कंपनी 8,000 शेयर जारी करने की बात कर रही थी, 90% एप्लीकेशन आना मैंडेटरी था, मतलब 7,200 केवल कंपनी तब शेयर इश्यू कर सकती थी, और यहां पर एप्लीकेशन आई है 7,400, तो इस केस में कंपनी बिल्कुल शेयर जारी कर सकती थी। इस 10,000 से कंपेयर नहीं करना बिल्कुल भी, याद रखना है। अगर 10,000 से कंपेयर कर दिया तो बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर कंपनी शेयर इशू ही नहीं कर पाएगी, तो कंपैरिजन करना था इश्यूड से ना कि ऑथोराइज से। क्वेश्चन नंबर 12, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। जो भी कंपनी शेयर इश्यू के दौरान प्रीमियम करती है रिसीव, ये किस कंटेक्स्ट में यूटिलाइज नहीं होगा। अल्टीमेट मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम के बताने हैं क्या क्या होते हैं यूटिलाइजेशन। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन BBC, मतलब बाईबैक कर सकते हैं शेयर्स, बोनस इश्यू कर सकते हैं, और कैपिटल लॉसेस को कर सकते हैं राइट ऑफ। कंपनी बाईबैक कर सकती है, कंपनी बोनस इश्यू कर सकती है, और कंपनी कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ कर सकती है। इसका मतलब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकती, कोई भी DRR और CRR नहीं बना सकती, ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, एट द टाइम ऑफ फॉरफिटिंग द शेयर्स, कंपनी जब शेयर फॉरफिट करने वाली है, शेयर कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी, शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, जितना कंपनी ने पहले फेस वैल्यू मांगा, शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स, अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स। और कॉल्ड अप के अंदर केवल और केवल बात कर रहे हैं फेस वैल्यू की। एंट्री यहां पर क्या होती है, एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू फॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच अकाउंट डेबिटेड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। जब भी कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू करती है, कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है, तो वहां पर हम डेबिट करते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमें डेबिट करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लेकिन यहां पर लॉस वाला है ही नहीं, तो लॉस की जगह हम डिस्काउंट भी डेबिट कर सकते हैं, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑप्शन बी। इनकेस यहां पर यह क्वेश्चन होता कि कंपनी आज डिबेंचर इश्यू कर रही है प्रीमियम पर, डिस्काउंट जो भी हो, लेकिन रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, तो उस केस में उस प्रीमियम के लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए किस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, तो वहां डेबिट करते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वहां डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं कर पाएंगे। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 14 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। अगला कहता है एप्लीकेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ इश्यूड डिबेंचर्स इज कॉल्ड। अगर कंपनी जितने डिबेंचर जारी करना चाहती है उसके कंपैरिजन में एप्लीकेशन आई हुई है ज्यादा, तो वो कंडीशन कहलाएगी ओवर सब्सक्रिप्शन, इट विल बी ट्रीटेड एज ओवर सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, ABC लिमिटेड ने 5,000 फुली पेड अप डिबेंचर इशू किए, 100 रुपए का एक डिबेंचर, 10% के प्रीमियम पे। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ऑल डिबेंचर्स, कंपनी 5,000 डिबेंचर इश्यू करना चाहती थी, पूरे 5,000 की एप्लीकेशन आ गई है। अब पूछ रहा है डिमांड जर्नल एंट्री क्या होगी, तो जर्नल एंट्री में मुझे बैंक अकाउंट करना होगा डेबिट 5,000 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 10, मतलब 110,
बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 5.5 लाख से। देख लें बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ डेबिट है। एक तो बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट है 5.5 लाख से, और यहाँ मेरा डेबिट नहीं है, ये कट गया, यहाँ मेरा डेबिट है। मेरे दो ऑप्शन इरेज हो चुके हैं, अब रह गए हैं दो ही ऑप्शन। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 5.5 लाख, टू अगर एक एंट्री करनी है तो टू परसेंटेज डिबेंचर 5 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। टू परसेंटेज डिबेंचर 5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। यहाँ पे एंट्री करा है बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 5.5 लाख। मतलब बी वाले ऑप्शन में जो एंट्री है, क्वेश्चन दो एंट्री मान के कर रहा है, तो वहां पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 5.5 लाख, बिल्कुल सही है। और दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार तीसरे ऑप्शन की बात कर लें, ये है बैंक अकाउंट डेबिट 5.5 लाख, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 5 लाख सही है यहां तक, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट 5,000, ये हो गया कल। इन केस अगर यहाँ पे 50,000 होता तो ये दोनों ऑप्शन माने जाते करेक्ट, क्योंकि ये पैसा रिसीव करने की फिर दूसरी एंट्री और करनी पड़ती, और फिर ये वाली मेरी डायरेक्ट एंट्री। इस केस में यहाँ पर 5,000 है, तो ऑप्शन रहेगा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है 17, फ्रॉम द व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनसेशन जीरो कूपन रेट डिबेंचर आर इश्यूड। जीरो कूपन रेट डिबेंचर होते क्या है, ऐसे डिबेंचर जो कंपनी इशू करती है डिस्काउंट पे, इन्हें रिडीम करती है प्रीमियम पे, ताकि जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो डिबेंचर इंटरेस्ट की तरह कंसिडर कर लें, और इन डिबेंचर पर कंपनी कोई भी इंटरेस्ट वसूल, कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करती है। तो जीरो कूपन रेट डिबेंचर हमेशा इश्यू होंगे डिस्काउंट पे और रिडीम होंगे प्रीमियम पे, दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाएगा इंटरेस्ट। तो फ्रॉम द व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनसेशन जीरो कूपन रेट डिबेंचर आर इश्यूड एट डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रीमियम ऑफ सब द बैलेंस ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर काउंट इज ट्रांसफर्ड, जो मैं अभी बात कर रहा था। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हम ट्रांसफर करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में, ये ट्रांसफर करेंगे इन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डिस्काउंट तो करना ही नहीं है, और यहां पर है रिडम्पशन, तो ये भी नहीं आएगा। अगला कहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी शेयर कंपनी के मालिक हैं, दीज आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, जबकि डिबेंचर होल्डर कंपनी के लोन प्रोवाइडर है या फिर क्रेडिटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या है। नॉमिनल शेयर कैपिटल को हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं, और रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब कंपनी अपनी पूरी लाइफ में कितने फेस वैल्यू में शेयर कर सकती है इश्यू। पहला इट इज अ पार्ट, ये गलत, पार्ट है ही नहीं, ये तो इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल बोल रहे हैं। दूसरा द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाई दी प्रोस्पेक्टिव शोल्डर्स, ये नहीं है, ये तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी। तीसरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू, बिल्कुल सही बात, तो ऑप्शन है सी। और डी करा द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, ये आएगी सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के अंदर, तो इसमें ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ एट 10%। याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% है, ये कंपनी के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए खर्चा है। अगली बात, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी चार्ज करेगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की इंटरेस्ट कंपनी पेड करेगी, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगला 22 कहता है मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर। कंपनी ने पैसा अभी मांगा ही नहीं, शेयर होल्डर ने एडवांस में पेड कर दिया, ऐसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, तो ऑप्शन रहेगा कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, नहीं, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस, ये कंपनी की है लाइबिलिटी, तो ऑप्शन रहेगा बी कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन नंबर 23, प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू, ये पहले भी कर चुके हैं, तो कंपनी अगर फॉरफिटेड शेयर री इश्यू करती है वो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ऑप्शन सी कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर डिविडेंड, ऐसे शेयर्स जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट है दूसरी कैटेगरी के शेयर होल्डर से डिविडेंड पहले प्राप्त करने का, उन्हें बोलते हैं हम प्रेफरेंशियर, ऑप्शन रहेगा सी प्रेफरेंशियर। अदरवाइज इक्विटी जिन्हें डिविडेंड बाद में पेड किया जाएगा, और स्वेट इक्विटी भी इक्विटी शेयर का ही टाइप है, या स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी हम इक्विटी शेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेफरेंस शेयर विच हैव राइट ऑन रिटेन अर्निंग विद इक्विटी शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनके पास अधिकार है रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा हुआ है उसमें से और डिविडेंड प्राप्त करने का और प्रॉफिट प्राप्त करने का, उन्हें हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अदरवाइज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो दूसरी सिक्योरिटी या फिर शेयर्स में होंगे कन्वर्ट, नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होंगे, पार्टिसिपेटिंग की बात कर चुके हैं, और नॉन पार्टिसिपेटिंग जिन्हें कंपनी रिटेन्ड अर्निंग में से कुछ भी अमाउंट का प्रॉफिट नहीं देगी वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। अगला 26, अ कंपनी हैज इक्विटी कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, एक कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल 2 लाख रुपए की है,
इन द ईयर 2023-24 इट अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 50,000, फिर कंपनी ने इक्विटी डिविडेंड कर दिया डिक्लेयर 10%। अब क्वेश्चन की डिमांड है अमाउंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड कितना होगा। तो इक्विटी डिविडेंड हमेशा कंपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग देती है, और कैपिटल के अकॉर्डिंग भी फेस वैल्यू के हिसाब से, ना कि प्रॉफिट पे और ना कि एंटायर ऑथोराइज या एंटायर इश्यूड या एंटायर सब्सक्राइब कैपिटल में। कंपनी डिविडेंड केवल पेड करेगी जितना शेयर होल्डर से फेस वैल्यू का पैसा कंपनी रिसीव कर चुकी है। तो इस कंपनी में कंपनी की इक्विटी कैपिटल 2 लाख, साइलेंट केस मान के चलेंगे यही फेस वैल्यू है, तो 2 लाख का 10% आएगा 20,000, अमाउंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड रहेगा 20,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हम आगे डिवेंचर के फॉर्म में भी कंसिडर करेंगे। हमेशा डिविडेंड निकाला जाएगा शेयर्स की फेस वैल्यू पे, इंटरेस्ट निकाली जाएगी डिवेंचर की फेस वैल्यू पे। अगर डिवेंचर हमने डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया, इससे कोई मतलब नहीं। शेयर हमने इशू किया प्रीमियम पे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, दोज प्रेफरेंस शेयर्स हुज डिविडेंड इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर इन द ईयर ऑफ लॉस नोन एज। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका डिविडेंड हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब करंट ईयर में लॉस है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी इस साल का डिविडेंड अगले साल लेके जाएंगे, तो वो माने जाते हैं कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उन्हें बोलेंगे कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका डिविडेंड हो जाएगा लैप्स, अगर कंपनी लॉस में है तो लैप्स का मतलब इन्हें डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, उन्हें बोलेंगे नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो एक डिफरेंस कुमुलेटिव नॉन कुमुलेटिव ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आप खुद सोचकर बताएं, इंटरेस्ट रेट सॉरी डिविडेंड जो रेट रहेगी वो नॉन कुमुलेटिव ही ज्यादा होगी कुमुलेटिव की। डिविडेंड रेट ज्यादा होगी नॉन कुमुलेटिव की, क्योंकि इन्हें यदि कंपनी लॉस में है तो डिविडेंड पेड डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, कंपनी डिविडेंड पेड करेगी नहीं, तो नॉर्मली नॉन कुमुलेटिव की डिविडेंड रेट ज्यादा होगी इन कंपेयर टू दी कुमुलेटिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ कंपनी ने इशू किया इक्विटी शेयर 10 वाले, 10% प्रीमियम मतलब 10 वाला शेयर 11 रुपए में टू अ वेंडर फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख। कंपनी का परचेज कंसिडरेशन है 1 लाख, एक वेंडर को इशू किया है, उसे 1 लाख रुपए देने थे, हमने दे दिया शेयर, और एक शेयर की फेस वैल्यू है कुछ 10 रुपए, इशू किया है 11, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 90.91। कंपनी चाहे शेयर्स इशू करे या इशू करे डिबेंचर्स, यहां पर मैं लिखना है शेयर्स, कंपनी शेयर इशू करे या डिबेंचर इशू करे, फ्रैक्शन वाला पार्ट का हम शेयर इशू नहीं कर पाएंगे, केवल जो कंप्लीट न्यूमेरिक वैल्यू है उसका ही शेयर कंपनी इशू कर सकती है। तो इस केस में कंपनी शेयर इश्यू करेगी 9090, जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा इसके लिए कंपनी पेड कर देगी कैश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ कंपनी इश्यूड 1 लाख शेयर कैपिटल टू वेंडर फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ 1,10,000। एक कंपनी ने 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर इश्यू किए 1,10,000 रुपए वाले वेंडर को, उसे हमें कंसीडरेशन देना था 1,10, हमने दे दिए 1 लाख वाली फेस वैल्यू के शेयर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 1 लाख और 1,10,000 में जो डिफरेंस अमाउंट है उसे क्या बोलेंगे। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं जो कंसीडरेशन है यह है मशीनरी के लिए, मतलब कोई एसेट परचेज किया है उसके अगेंस्ट कंसीडरेशन डिसाइड किया है। अगर केवल एक ही एसेट परचेज की गई है तो जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो माना जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहां पर आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। और इनकेस अगर बिजनेस परचेज करते तब डिफरेंस अमाउंट आता, पेमेंट कर रहे हैं 1,10 का कंसीडरेशन, शेयर इश्यू किए 1 लाख वाले, तो डिफरेंस अमाउंट माना जाता मेरा गुडविल अकाउंट या केवल गुडविल अमाउंट। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 30 की। 31 करा है, अ कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस फॉर 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी किया, शेयर जारी करेंगे 2,500 10 वाले। आउट ऑफ द फॉलोइंग केस चूज करेक्ट ऑप्शन इन विच कंपनी कैन इश्यू शेयर्स। बताना है इन चारों ऑप्शन में से कंपनी किस ऑप्शन पर या किस ऑप्शन के अंदर शेयर इश्यू कर सकती है। अगर एप्लीकेशन आती है 2,249 शेयर्स के लिए, अगर एप्लीकेशन आई 2,500 के लिए, एप्लीकेशन आई 2,250 के लिए, और एप्लीकेशन आई 2,251 के लिए। कंपनी कहता है कंपनी के पास कम से कम 90% एप्लीकेशन आना जरूरी है, 2,500 का 90% कुछ होगा 2,250। अगर 2,250 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई तब इशू कर सकते हैं, अगर 2,249 के लिए भी आई तब इशू नहीं कर पाएंगे। तो पहले वाले केस में इशू कंपनी नहीं कर सकती, बाकी 3 केस में कर सकती है, तो ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन देन एक्सेस अमाउंट क्रेडिटेड। अगर कंपनी के पास अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के वक्त ही रिसीव हो गया तो जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे। बहुत सारे बच्चों का आंसर रहेगा सर ये ट्रांसफर करेंगे या तो कॉल्स इन एडवांस में या शेयर अलॉटमेंट में, लेकिन मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंदर बताया हुआ है कंपनी जिस दिन
एप्लीकेशन का पैसा मांगती है, या जिस दिन कंपनी शेयर अलॉट करती है उस ही दिन अलॉटमेंट मांग लेती है। जिस दिन कंपनी शेयर कर रही है अलॉट, सेम डे अलॉटमेंट मांग लेती है, तो उस केस में सेम डे ही हमें पैसा करना है एडजस्ट, और सेम डे ही एडजस्ट करना है, तो कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में हम ट्रांसफर करेंगे सीधा शेयर अलॉटमेंट में। अगला कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द शेयर्स इज टू बी एडजस्टेड अप टू। कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट आया, जितने शेयर जारी करने की बात कर रहे थे, एप्लीकेशन आ गई ज्यादा, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम कहां तक एडजस्ट करेंगे? डिफरेंस अमाउंट केवल एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट तक, और यदि क्वेश्चन कह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसमें है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर, मुझे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने हैं। पहला है इश्यू ऑफ शेयर्स, दूसरा है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तीसरा है कंप्लाई विद मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और नंबर फोर्थ है रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस करेगी इश्यू, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू होगा, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद फिर हम एप्लीकेशन करेंगे रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद चेक करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंडीशन, अगर ये फुलफिल हो चुकी है तब हम शेयर कर सकते हैं इश्यू। तो पहले आएगा दो नंबर, पहले दो, फिर चार, फिर तीन और फिर एक, पहले दो, फिर चार, फिर तीन और फिर एक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, कॉल रिसीव्ड विच इज नॉट कॉल्ड येट नोन एज, कंपनी ने वो पैसा रिसीव कर लिया जो अभी तक नहीं मांगा है, उसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज क्रेडिटेड विद, कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, अगर यहां लिखता डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे तो डेबिट करना है अलॉटमेंट, क्रेडिट कौन सा करना है, क्रेडिट करना है शेयर कैपिटल, तो ऑप्शन रहेगा बी शेयर कैपिटल। काफी होशियारी से पढ़ते जाने हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन की डिमांड एक्चुअली है क्या। 37 कहता है इफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, देन अ कंबाइंड अकाउंट नीड टू बी ओपन, दैट इज नोन एज शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, मनी रिफंडेड ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज डेबिटेड विद, कंपनी ने जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, उन्हें कोई भी शेयर हमने इशू नहीं किया, तो उसका पैसा करना होगा रिफंड, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री होगी जो पैसा रिसीव करने की थी उसका रिवर्स, पैसा रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो रिवर्स होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, डेबिट करना है शेयर एप्लीकेशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट देयर मस्ट बी मिनिमम गैप बिटवीन, दो कॉल्स के बीच में मिनिमम गैप होना चाहिए एक महीने का, तो ऑप्शन रहेगा ए। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम कॉल्ड अप अमाउंट ऑन कॉल्स इज ब्लैंक ऑफ द फेस वैल्यू, कंपनी फेस वैल्यू का जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा वो मांगेगी मैक्सिमम 25%, फेस वैल्यू को कंपनी अधिकतम एक कॉल में मांग सकती है 25%। अगला क्वेश्चन कहता है इफ फर्स्ट कॉल इज द लास्ट कॉल देन देयर इज देन इट इज रिकॉर्डेड एज, अगर फर्स्ट कॉल ही आखिरी कॉल है तो कंपनी उसे रिकॉर्ड करेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के फॉर्म में, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिनिमम ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ कॉल्स मस्ट बी, कॉल्स का पेमेंट करने के लिए कंपनी कितने टाइम पीरियड अलाउ करेगी, वो रहेगी 14 डेज का। टाइम पीरियड अलाउ करने का मतलब जिस दिन कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया कि पेमेंट करना है, उस नोटिफिकेशन से 15 दिन के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। अगला कह रहा है 43, कॉल्स इन एडवांस इज शोन अंडर विच सब हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट, तो कॉल्स इन एडवांस शो करेंगे करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में, सब हेडिंग पूछ रहा है तो वो आएगा अदर करंट लाइबिलिटी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड विद, कंपनी ने पैसा मांगा लेकिन रिसीव नहीं हुआ, वो हम किस अकाउंट से करेंगे क्रेडिट, तो वहां हमें क्रेडिट करना होगा जो रेस्पेक्टिव कॉल कंपनी मांग रही है उस अमाउंट से, हो सकता है वो फर्स्ट कॉल हो सकता है वो फाइनल कॉल हो, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी अनपेड कॉल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 कहता है पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज नोन एज, कॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी ने रिसीव नहीं किया उसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर और अनपेड कॉल्स, दोनों सही है तो ऑप्शन रहेगा डी। नंबर नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल नॉट कॉल्ड बाई दी कंपनी नोन एज, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी ने नहीं मांगा है उसे बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी मांगने वाली है केवल लिक्विडेशन के दौरान उसे बोलेंगे रिजर्व कैपिटल, तो यहां रहेगा ऑप्शन ए रिजर्व, ऑप्शन ए अनकॉल्ड कैपिटल। नंबर नेक्स्ट, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल रिसीव्ड बाई दी कंपनी, कंपनी ने अनकॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो रिसीव कर लिया है पहले ही उसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, ऑप्शन रहेगा कॉल्स इन एडवांस डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48,
पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अप इन दी वाइंडिंग अप ओनली, उसे बोलेंगे हम रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन रिजर्व कैपिटल सी। क्वेश्चन नंबर 49, 49 कहता है कैपिटल क्लॉज इज मेंशनड इन, कैपिटल क्लॉज मेंशन होता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो हम चेंज भी कर सकते हैं। 50th, दोज एप्लीकेशन टू हुम नो अलॉटमेंट इज मेड अ ब्लैंक नीड टू बी सेंट, ऐसी एप्लीकेशन जिन्हें कंपनी ने कोई भी शेयर इशू नहीं किया है उन्हें कंपनी भेजती है लेटर ऑफ रिग्रेट, ऑप्शन रहेगा लेटर ऑफ रिग्रेट ऑप्शन सी, और जिन्हें शेयर कंपनी ने इशू कर दिया या सिक्योरिटी इशू कर दी उन्हें बोलेंगे, उन्हें भेजेंगे लेटर ऑफ अलॉटमेंट। अगला कहता है व्हेन मोर एप्लीकेशन इज रिसीव्ड इन कंपेयर विद द लेस शेयर्स, कंपनी ने ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव की है कम शेयर के कंपेरिजन में उसे बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन लेस नंबर ऑफ शेयर्स आर प्रोवाइडेड टू मोर एप्लीकेशन, जब कम शेयर्स दिए ज्यादा एप्लीकेशन को उसे बोलेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट, और जिस रेशियो के फॉर्म में वो शेयर दिए गए उन्हें बोलेंगे प्रोराटा रेशियो। कंपनी में भी सूड और सूड बाय द थर्ड पार्टी इट इज नोन एज, इसे हम बोलेंगे कॉमन सील, कंपनी जब केस कर सकती है थर्ड पार्टी पे और या थर्ड पार्टी कंपनी ऊपर केस कर सकती है, ये पहचाना जाता है कंपनी की कॉमन सील के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन रहेगा डी। अगला, चूज द ऑड वन आउट इन केस ऑफ कंपनी, भिन्न पहचानना है कंपनी के केस में, परपेचुअल सक्सेशन मेंबर मे कम मेंबर मे गो बट कंपनी ऑलवेज रिमेंस अलाइव, कॉमन सील कंपनी का खुद का एक सेपरेट सिग्नेचर है जिससे कंपनी दूसरे के ऊपर केस करेगी या अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज करेगी, कंपनी को कंपनी एक्ट 1956 या फिर 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर नहीं होता है, कंपनी के अंदर रहती है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो ऑप्शन बी मेरा अलग है बाकी तीनों से। अगला कहता है ऑन द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जब भी कंपनी ने शेयर फॉरफीट किए विच अकाउंट इज डेबिटेड, कंपनी डेबिट करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर नेक्स्ट, ऑन द डेट ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद, जब भी कंपनी फॉरफिटेड शेयर फॉरफिट करती है तो शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे अमाउंट कॉल्ड अप से, ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड अर्लियर, जो भी प्रीमियम कंपनी ने पहले रिसीव नहीं किया इज नीड टू बी क्रेडिटेड विद विच अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, कंपनी ने जब पहले प्रीमियम मांगा और उस समय रिसीव नहीं किया तो जब भी शेयर फॉरफिट करेंगे प्रीमियम के इक्वलेंट अमाउंट ट्रांसफर करना होगा कॉल्स इन एरियर में, तो कॉल्स इन एरियर हम करेंगे क्रेडिट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला है शेयर कैन बी फॉरफिटेड इफ एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिसीव्ड, कभी भी संभव नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा हर बार ही कंपनी को होगा रिसीव, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा कहता है शेयर भी कैन बी फॉरफिटेड इफ कॉल्स मनी नॉट रिसीव, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। If premium is already received, then no need to forfeit premium. बिल्कुल सही बात है। Premium received earlier is a capital nature profit. ये भी सही है। तो option मेरा correct, incorrect था। A, 58 में। 59, अब हमें ढूंढना है correct statement. If shares are forfeited, then it cannot be reissued at discount. ये गलत है। अगर कंपनी शेयर forfeit कर चुकी है तो reissue कर सकती है par पे, discount पे, premium पे। तो पहला incorrect है, identify करना है correct वाला। अगला है शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड ओनली व्हेन एंटायर मनी इज कॉल्ड अप, ये भी गलत है, कंपनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल के बाद भी फॉरफिट कर सकती है, फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट पर कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मांगा वहां पर भी फॉरफिट हो सकता है। क्वेश्चन सॉरी अब ऑप्शन सी, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड देन प्रीमियम रिकॉर्डेड अर्लियर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, बिल्कुल सही बात। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, कैपिटल लेजर का प्रॉफिट है जिससे राइट ऑफ करेंगे कैपिटल लॉसेस, अगर वो रिसीव किया ही नहीं तो राइट ऑफ कैसे करोगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी और देख लें, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड आफ्टर एप्लीकेशन ओनली, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 60, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, वापस करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, गलत, क्योंकि कंपनी को अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है फ्री नेचर के प्रॉफिट होना जरूरी है, ऐसे प्रॉफिट होना जरूरी है जो कंपनी ने रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन से अर्न किए, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर डीआरआर और सीआरआर, बिल्कुल गलत, DRR और CRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इनको बनाने के लिए हमें फ्री प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन सी। सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी डेबिटेड ओनली व्हेन नॉट रिसीव्ड अर्लियर, बिल्कुल सही बात, अगर पहले रिसीव नहीं किया है तभी डेबिट करना है, अगर पहले रिसीव कर चुके हैं तो डेबिट नहीं करना, ऑप्शन डी। फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट ओनली, ये हो गया गलत, तो 60 में है ऑप्शन सी। अब बात करें 61 की, डिबेंचर विच आर ट्रांसफरेबल बाई मेयर डिलीवरी, ऐसे डिबेंचर जो मेयर डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो सकते हैं उन्हें बोलते हैं बीआरआर डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 62, द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड, कंपनी की बुक्स में एंट्री दे रखी है हमें, बैंक अकाउंट है डीआर 475,000 से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है डीआर 75,000 से, और डिबेंचर हमने क्रेडिट किया 500,000 से, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्रेडिट किया है 50,000 से। कंपनी ने
5 लाख की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर इश्यू किए, इन पर लॉस होगा भविष्य में 50,000 का। इसका मतलब इन्हें रिडीम करेंगे हम 10% प्रीमियम पे, और 5 लाख के कंपेरिजन में हमें रिसीव कितना हुआ है, 4,75। इसका मतलब 25,000 रुपये का हमने दिया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो गया फेस वैल्यू का 5%। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिबेंचर हैव बीन इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अगर प्रीमियम पूछता कि प्रीमियम कितना परसेंट रहेगा, वो है 10%। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 62 में। 63 कहता है एक्स कंपनी लिमिटेड ने परचेज की एसेट्स 28,80,000 की, और कंपनी ने इसके बदले में डिबेंचर इश्यू किया 100 वाला 4% डिस्काउंट, मतलब 96 के अकॉर्डिंग कंपनी ने। आगे क्वेश्चन की डिमांड है नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड टू वेंडर इज, वेंडर को कितने डिबेंचर इश्यू करेंगे। तो ये आ गया मेरा कंसिडरेशन पेबल डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस 96, तो वो आएगा कुछ 30,000। 28,80,000 डिवाइडेड बाई 96 रुपीज, तो ये आना चाहिए कुछ 30,000। ऑप्शन ए 64 कहता है कन्वर्टेबल डिबेंचर कैन नॉट बी इशू डिस्काउंट इफ, कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर कब इश्यू नहीं करेगी, यदि अगर उन्हें तुरंत ही कन्वर्ट करना है तो डिस्काउंट पर इशू करने से कोई भी मतलब नहीं है, अगर बाद में कन्वर्ट करेंगे तब आज हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो ऑप्शन रहेगा इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 व्हेन डिबेंचर आर इश्यूड एट पार, जब भी डिबेंचर इश्यू हुआ पार पे, पार मतलब फेस वैल्यू इक्विवेलेंट, एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, और रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, द लॉस ऑन सच एन इश्यू डेबिटेड टू, तो उस केस में लॉस को हमें रिकॉर्ड करना है, तो लॉस को रिकॉर्ड करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के थ्रू, तो ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन, मैंने जिस बिजनेस को परचेज किया उसकी नेट एसेट्स ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, मतलब मैंने कम अमाउंट पेड कर रहा हूँ, आइटम्स परचेज किए ज्यादा वैल्यू के, तो डिफरेंस अमाउंट मेरा फायदा है जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ऑप्शन सी। 67 डिबेंचर विच आर इश्यूड एट लेस देन दी फेस वैल्यू, ऐसे डिबेंचर जो फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे हमने किए इश्यू, एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, और जिन्हें हम प्रीमियम पर रिडीम करने वाले हैं, दीज आर नोन एज, इस तरह के डिबेंचर कहलाएंगे जीरो कूपन रेट डिबेंचर, तो ऑप्शन बी, मतलब डिबेंचर इशू हुए डिस्काउंट पर रिडीम है प्रीमियम पर। 68 कहता है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट मोर देन दी फेस वैल्यू, जब भी डिबेंचर फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे इशू हुआ है, इसे बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम, तो ऑप्शन रहेगा बी इशूड एट प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 69 डिबेंचर्स विच हैव स्पेसिफिक चार्ज अगेंस्ट एसेट्स, मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे डिबेंचर जिनका स्पेसिफिक चार्ज है एसेट के अगेंस्ट, वो हमेशा माने जाते हैं सिक्योर डिबेंचर्स, और जिनका फ्लोटिंग चार्ज है सारी एसेट्स पे, वो कवर होंगे अनसिक्योर डिबेंचर के अंदर, तो यहाँ आंसर है सिक्योर डिबेंचर्स, जिनका फ्लेक्सिबल चार्ज है सारी एसेट्स पर, वो होंगे अनसिक्योर डिबेंचर। अगला कहता है इफ डिबेंचर आर रिडीम इन नेक्स्ट 12 मंथ्स देन इट विल बी प्रेजेंट इन विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट, अगर डिबेंचर 12 महीने के अंदर हमें कन्वर्ट करने हैं या रिडीम करने हैं, तो उस केस में डिबेंचर को हम प्रेजेंट करेंगे करंट लाइबिलिटी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर, तो ये आएगा करंट लाइबिलिटी में। अगर 12 महीने के बाद हमें रिडीम करने हैं तब आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, और साइलेंट केसेस में वो हमेशा आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में। अगला कहता है 72 अ कंपनी इशूड 2,05% डिबेंचर ऑफ रुपीज 2,10,000 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नीड्स टू पे ईच ईयर, मैं इस तरह क्वेश्चन की बात कर रहा था अभी, कंपनी ने 2 लाख की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर इशू किए 2,10,000 में, इंटरेस्ट रेट 5% है, तो इंटरेस्ट रेट केवल और केवल 2 लाख का ही निकाला जाएगा, 2,10,000 से हमें कोई भी मतलब नहीं, तो इंटरेस्ट ईयरली रहेगी 10,000 की, ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 73 अ कंपनी इशूड 2 लाख 10% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक, कंपनी ने 2 लाख रुपए के 10% डिबेंचर बैंक को एज अ सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किए, और लोन है 1.5 लाख रुपए का, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नीड टू बी पे ऑन दिस डिबेंचर विल बी, जब भी डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में होंगे कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पेड ऑफ नहीं करेगी, तो ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबव। इन केस कंपनी इस लोन का रीपेमेंट नहीं करती है, तो उस केस में डिबेंचर एक्चुअल लायबिलिटी के फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाएंगे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना करेंगे स्टार्ट। 74 अ कंपनी इशूड 2 लाख 10% डिबेंचर इन कैश, कंपनी ने 2 लाख रुपए के 10% डिबेंचर कैश में इशू किए, इंटरेस्ट इज टू बी पेड ईयरली, इंटरेस्ट पेड करना है ईयरली, तो वो रहेगा 2 लाख का 10% 20,000, और TDS करना है डिडक्ट जो रहेगा 8%, तो 20,000 का 8% रहेगा 1,600 रुपए का TDS। डिबेंचर इंटरेस्ट चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ PNL विल बी, तो डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी को ईयरली रहेगी 2 लाख का 10% 20,000, ये पूरा 20,000 रुपए का इंटरेस्ट हमें रिकॉर्ड करना होगा स्टेटमेंट ऑफ PNL में, तो ऑप्शन रहेगा बी। अगर यहाँ पर आता TDS का अमाउंट कितना है, TDS रहेगा 1,600, ये आता कि हम डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, तो वो 20,000 माइनस 1,600 आएगा कुछ 18,400। क्वेश्चन नंबर 75
ये कंपनी इशू किए 2005% डिबेंचर 100 वाले, आउट ऑफ विच ओनली ₹70 कॉल्ड, जिसमें से कंपनी ने केवल ₹70 मांगे हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट इज टू बी पेड ईयरली, कंपनी को डिबेंचर का इंटरेस्ट पेड करना है ईयरली, तो इंटरेस्ट कितना होगा? कंपनी जितने रुपए रिसीव कर चुकी है लोन के फॉर्म में उस पर ही इंटरेस्ट पेड करेगी। तो कंपनी ने अभी 100 में से केवल मांगा है 70, तो 70 इंटू 2000 हुआ 140, 140 का रहेगा 5%, जो आएगा कुछ 7000। याद रखना है जितना पैसा कंपनी ने किया है रिसीव, और वो भी केवल और केवल फेस वैल्यू में से। क्वेश्चन नंबर 76, अ कंपनी इशूड ₹3 लाख 10% डिबेंचर फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 2,80,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीनरी। कंपनी ने 3 लाख वाली फेस वैल्यू के डिबेंचर किए इश्यू 2,80,000 की मशीनरी के अगेंस्ट, केवल मशीनरी है कोई और बिजनेस नहीं है, तो इस केस में डिफरेंस अमाउंट गुडविल या फिर कैपिटलिज्म ट्रीट नहीं करेंगे। ज्यादा अमाउंट के डिबेंचर किए इशू, परचेज कंसिडरेशन है कम, इसका मतलब डिस्काउंट है ₹20,000 का, तो डिफरेंस अमाउंट क्या माना जाएगा उसे बोलेंगे डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 77, इसका रीजन ये भी है कि सर हमने डिफरेंस अमाउंट कैपिटलिज्म क्यों नहीं ट्रीट किया, पर डिफरेंस अमाउंट हमने गुडविल क्यों ट्रीट नहीं किया, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर एसेट खरीदते वक्त गुडविल क्रिएट नहीं होगी, गुडविल क्रिएट केवल और केवल बिजनेस खरीदते वक्त होगी। 77 कहता है कंपनी इशूड ₹1 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 120 पर डिबेंचर। कंपनी ने 1 लाख वाले डिबेंचर, 1 लाख रुपए के डिबेंचर, ₹100 का एक डिबेंचर इशू किया 120 पे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आएंगे, फेस वैल्यू कितनी है 1 लाख, और एक शेयर की एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 वो आएगा 1,000 डिबेंचर। गलती से भी 120 का डिवाइड नहीं करना, क्योंकि 120 का डिवाइड तो करना था परचेज कंसिडरेशन के नीचे। क्वेश्चन नंबर 78, अ कंपनी इशूड ₹1 लाख 10% डिबेंचर एट ₹96 पर डिबेंचर। कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, फेस वैल्यू 1 लाख है, एक डिबेंचर है 96, एक डिबेंचर इशू किया है 96 पे, और इसका फेस वैल्यू है ₹100। इस तरह के क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं करें, सबसे पहले निकालें नंबर ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी 1 लाख रुपए कुल डिबेंचर, एक की फेस वैल्यू 100, तो डिबेंचर इशू कर रही है 1,000, इशू किया 96 पे, तो पैसा रिसीव करेंगे 96,000। क्वेश्चन की डिमांड है बैंक अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे, वो डेबिट करेंगे 96,000 से। क्वेश्चन नंबर 79, कंपनी इशूड ₹1 लाख डिबेंचर ऑफ ₹200 ईच। कंपनी ने 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू, एक डिबेंचर है 200 का, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिस्काउंट अगर 8% है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना रहेगा। निकालने के दो तरीके, पहला तरीका डिबेंचर की फेस वैल्यू 1 लाख, डिस्काउंट 8%, तो 1 लाख का सीधा 8% आ जाएगा 8,000। दूसरा तरीका, कंपनी ने 1 लाख की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर इश्यू किए, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 200, अब पहले निकाल दूं मैं नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर जो आगे 500, मेरे आगे 500 डिबेंचर, और एक डिबेंचर पे डिस्काउंट कितना 8% का, 8% किसका, फेस वैल्यू का, तो 200 का 8% 16, ये आ जाएगा मेरा 8,000, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 में कराए, अ कंपनी इश्यूड ₹1 लाख डिबेंचर ऑफ ₹100 से ऊपर वाला ही है एट 5% डिस्काउंट एंड टू बी रिडीम्ड एट 8% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर्स अमाउंट ऑफ लॉस टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इश्यू विल बी। तो पहला तरीका करने का, 8% लॉस होगा प्रीमियम के वक्त, सॉरी रिडम्पशन के वक्त, 5% डिस्काउंट आज दे रहे हैं, टोटल लॉस हो गया 13%, तो 1 लाख का 13% आ गया 13,000, तो लॉस मेरा हो गया 13,000। दूसरा तरीका, कंपनी 200 का एक डिबेंचर इश्यू कर रही है, 5% डिस्काउंट, तो 200 का 5% ₹10 प्लस रिडम्पशन का प्रीमियम 8%, 200 का 8% ₹16, तो टोटल लॉस हमें आज हो रहा है ₹26 पर डिबेंचर का, ₹200 का एक डिबेंचर है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ इश्यू करेंगे 500 × 26, वो आ जाएगा वापस 13,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कंपनी इशू 2000 5% डिबेंचर, कंपनी ने इशू किया 2005% वाले डिबेंचर। इस बार याद रखें जो 2000 है ये नंबर ऑफ डिबेंचर है, कंपनी ने इशू किया 20 वाला डिबेंचर 20% प्रीमियम मतलब ₹24 में एंड टू बी रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर्स एट 25, इशू किया 24 में, रिडीम करेंगे 25 में, फेस वैल्यू है 20। क्वेश्चन की डिमांड है अमाउंट ऑफ लॉस रिटर्न ऑफ फ्रॉम फ्री प्रॉफिट्स, कंपनी कितना लॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L में से करेगी राइट ऑफ। कंपनी ने पर डिबेंचर ₹5 लॉस रिकॉर्ड करना है, प्रीमियम है पर डिबेंचर ₹4 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सबसे पहले ये ₹4 का सिक्योरिटी प्रीमियम इस ₹5 के लॉस को राइट ऑफ करने में काम में लेंगे। अब बचा ₹1 का लॉस, ये हम राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो अल्टीमेट ₹1 पर डिबेंचर, तो 2000 डिबेंचर का मेरा टोटल हो गया ₹2000।
मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करूंगा 2000। या दूसरा तरीका, कंपनी ने 2000 डिवेंचर पर 20% के हिसाब से 2000 इंटू 4 प्रीमियम रिसीव किया 8000। प्रीमियम रिसीव किया 8000, कंपनी ने लौटाई कितना एक्स्ट्रा 2000 इंटू 5, एक्स्ट्रा लौटाएंगे 10000। तो अल्टीमेट इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2000 रुपए का कंपनी लॉस राइट ऑफ करेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, और 8000 रुपया कर देगी सिक्योरिटी प्रीमियम में से। अगला क्वेश्चन कहता है करेक्ट स्टेटमेंट हमें करना है आइडेंटिफाई। पहला स्टेटमेंट, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन ऑल द डिबेंचर्स वेदर इश्यूड फॉर कैश और अदर देन कैश। बिल्कुल सही बात, कंपनी सारे डिबेंचर पर इंटरेस्ट पेड करती है, चाहे वेंडर को इश्यू हुआ हो, अंडरराइटर्स को इश्यू किया हो या पब्लिक में इश्यू किया हो, एक्सेप्ट कोलेटरल सिक्योरिटी वाले। अगला कहता है डिबेंचर इंटरेस्ट इज नॉमिनल इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, एंड कैन बी राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। ये गलत हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट तो नॉमिनल नेचर है, लेकिन इस इंटरेस्ट को हम राइट ऑफ करेंगे केवल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। अगला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी पेड ऑफ इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट्स, अदरवाइज इन द ईयर ऑफ लॉस इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड करना है केवल ईयर ऑफ प्रॉफिट में, और जब लॉस हुआ तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा रहेगा, पेड करना हमेशा पेड करना है, और हमेशा ही कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से, हमेशा चार्ज करना होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो। तो ये स्टेटमेंट मेरा हो गया गलत, तो दूसरा और तीसरा गलत हो गया, पहला अभी तक सही है। ठीक है, इफ 90% एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड, ये वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि 90% वाली कंडीशन केवल शेयर्स वाले केस में, ना कि डिबेंचर वाले में, तो ऑप्शन था ए। 83 कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट करना है आइडेंटिफाई। पहला, डिबेंचर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नीड टू पे इन ऑल केसेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला, तो अ कंपनी कैन इश्यू इट्स डिबेंचर एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, ये भी सही है। डिबेंचर इंटरेस्ट इज नीड टू पे एवरी केस इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉल ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, ये हो गया गलत। डिबेंचर इंटरेस्ट केवल पेड करेंगे फेस वैल्यू पे, और फेस वैल्यू में जितना पैसा मांगा है केवल उतने अमाउंट पे, ये लाइन कह रहा है डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी चाहे पैसा मांगे या नहीं मांगे पूरे अमाउंट पे पेड करनी होगी, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, और वही आइडेंटिफाई करना था कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और डी कह रहा है डिबेंचर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट। बिल्कुल सही, जो डिबेंचर इंटरेस्ट है, डिबेंचर जो हमने इश्यू किए हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक को, तो बैंक ने उसे क्यों मांगा है, डिमांड क्यों की है, क्योंकि बैंक जानती है डिबेंचर हमेशा ही चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड वाले का तो एक फिक्स चार्ज है किसी पर्टिकुलर एसेट पे, लेकिन अनसिक्योर्ड डिबेंचर का सारी एसेट पर चार्ज है। तो उस केस में ऑप्शन सी इस वाले का रहेगा आंसर। 84th, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब मुझे इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंडीशन इज नॉट एग्जिस्टेड, ये स्टेटमेंट सही है। बी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज एग्जिस्टेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10% 12%, ये हो गया गलत, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन डिबेंचर केवल शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, डिबेंचर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो मुझे आइडेंटिफाई करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। 84th वाले के लिए अभी तक मेरा आंसर है बी। और सी कहता है इफ डिबेंचर आर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी देन इट इज मैंडेटरी टू प्रेजेंट इन बैलेंस शीट और इन फुटनोट। बिल्कुल सही बात, अगर कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट इशू डिबेंचर को इशू कर रही है ऐसा कोलैटरल सिक्योरिटी, तो कंपनी के लिए मैंडेटरी है, या तो फुटनोट के फॉर्म में प्रेजेंट करें या बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट करें। तो स्टेटमेंट सही है, मुझे आइडेंटिफाई करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर नहीं होगा। बी वाला स्टेटमेंट गलत है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, चूज द ऑर्डर फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ऑर्डर चूज करना है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर का लॉस सबसे पहले राइट ऑफ किसके अगेंस्ट होगा, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। सबसे पहले लॉस को राइट ऑफ करेंगे कैपिटल रिजर्व से, क्योंकि कैपिटल रिजर्व की यूटिलाइजेशन सबसे कम है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कैपिटल रिजर्व से है ज्यादा। और फिर आखिरी में रेवेन्यू रिजर्व। तो पहला कैपिटल रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम और तीसरा रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के प्रॉफिट्स। तो ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड सेकंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड एक्सेप्ट फॉर डिक्लेरेशन डिविडेंड, बीबीसी, बाईबैक, बोनस और कैपिटल लॉसेस। ऑप्शन है इसका डी, सिक्योरिटी प्रीमियम डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन 87, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब मुझे करेक्ट करना है आइडेंटिफाई। डिबेंचर कांट बी फॉरफिटेड अनलेस स्टेटेड बाय आर्टिकल्स, ये गलत है। कंपनी कभी भी डिबेंचर फॉरफिट नहीं कर पाएगी, चाहे आर्टिकल में क्यों ना लिख ले। दूसरा कहता है इफ डिबेंचर आर इश्यूड एट प्रीमियम दैट इट मस्ट बी रिडीम एट प्रीमियम, ये भी गलत है।
डिबेंचर अगर प्रीमियम इशू हुआ है, हो सकता है कंपनी बीच में इंटरेस्ट ज्यादा पेड ऑफ कर दे और डिबेंचर रिडीम कर दे पार वैल्यू पे। अगला है, इफ डिबेंचर इज इश्यूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी देन इंटरेस्ट कांट बी क्लेम्ड बाई द बैंक ऑन डिबेंचर। बिल्कुल सही बात, अगर डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर्म में इशू हुए हैं तो कंपनी डिबेंचर को इंटरेस्ट पेड नहीं करेगी, ना बैंक डिबेंचर पर इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अगला, डिबेंचर कांट बी इशूड एट डिस्काउंट टू वेंडर्स, ये गलत है, डिबेंचर वेंडर्स को डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 87 में, सी 88। अ कंपनी कैन इशू इट्स डिबेंचर टू पब्लिक फॉर वेंडर टू अंडरराइटर्स, ऑल ऑफ दीज सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी रहेगा 88 में, 88 में ऑप्शन डी। 89, डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल सब्जेक्ट टू डिडक्शन डिडक्शन ऑफ टीडीएस जनरलाइज्ड एज। कंपनी ने जब डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करनी है, टीडीएस करना है डिडक्ट और बाकी करना होल्डर में ट्रांसफर, एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल ऑप्शन ए, अदरवाइज ये गलत है, ये एंट्री भी गलत है, क्योंकि होल्डर होना चाहिए क्रेडिट और टीडीएस होना चाहिए क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 90, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिटेड विद, जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी जब एप्लीकेशन के वक्त रिसीव करेगी उस केस में डेबिट अकाउंट कौन सा होगा। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो डेबिट अगर दो एंट्री करनी है तो उधर डेबिट हो रहा है डिबेंचर एप्लीकेशन, उधर हो रहा है डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन। अगर केवल सिंगल एक एंट्री करनी है तब होना है बैंक डेबिट, तो इस केस में बैंक ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन रहेगा सी 19 में, फ्रॉम 91। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस फॉर 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इट इफ कंपनी रिसीव द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन, यदि कंपनी ने जारी किया 1 लाख डिबेंचर की प्रोस्पेक्टस तो एप्लीकेशन आई 1,90,000, 85,000 या फिर 95,000। डिमांड है करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताएं जिस केस में कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है। तो 90% वाली कंडीशन केवल और केवल शेयर्स वाले में, डिबेंचर वाले में नहीं है, तो यहां पर चारों केसेस में डिबेंचर कर सकती है इश्यू। तो मुझे यहां पर मोस्ट करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना था, मोस्ट करेक्ट, अदरवाइज तीनों ऑप्शन सही है वैसे तो। अगला कहता है चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस करेंगे इश्यू, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस करेंगे इश्यू, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद डिबेंचर करेंगे इश्यू, डिबेंचर इश्यू करने के बाद ईयरली उनका इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे और फिर फाइनली जब हमने वादा किया है तब उनका रिडम्पशन करेंगे। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस 3 नंबर 1 पे, फिर डिबेंचर 1 नंबर 2 पे, तो ये दोनों हो गए, ये दोनों ए और सी हो गए एलिमिनेट, अब बी और डी बचा, तो 3 1 2, 3 1 2 और फिर 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला, डिबेंचर कैन बी इशूड डिस्काउंट प्रीमियम एट पार बट इंटरेस्ट नीड टू बी पे एट फेस वैल्यू ओनली, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कराइफ डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम द एक्सेस प्रीमियम रिक्वायर्स टू बी रियलाइज्ड इन कैश, ये गलत है। अगर कंपनी वेंडर को इशू करेंगे तो प्रीमियम तो कैश में रियलाइज होगा ही नहीं, अगर हमने कंपनी ने डिबेंचर इशू किया पब्लिक में केवल तब ही प्रीमियम कैश में रियलाइज होगा। ऑप्शन सी, इफ डिबेंचर इंटरेस्ट इज नॉट पेड देन इट मस्ट बी प्रेजेंट इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये भी गलत है। अगर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड नहीं होगी वो शो करेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के अंदर अदर करेंट लाइबिलिटी में, तो ऑप्शन यहां पर है ए। 94, डिबेंचर कैन बी कन्वर्ट इनटू शेयर्स, उन्हें बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो यहाँ पर ऑप्शन रिडीमेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, सिक्योर्ड है, इनमें से कोई नहीं। 95, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विच सिक्योरिटी रिस्कियर, तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर रिस्कियर है क्योंकि डिबेंचर का हमेशा फ्लोटिंग चार्ज रहता है, इनकेस अनसिक्योर डिबेंचर है, सिक्योर डिबेंचर है तो उनका फिक्स चार्ज होगा, अल्टीमेट डिबेंचर पर इंटरेस्ट भी पेड होगी और ये पैसा भी रिलाइज होगा एक टाइम पीरियड के बाद, जबकि शेयर्स पर कोई भी डिविडेंड फिक्स नहीं है और पूरा पैसा कब रिसीव होना है इसका भी कोई भी एस्टिमेशन नहीं है, तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टीमेट आंसर शेयर में रिस्क ज्यादा है। अगला कहता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क कहाँ जाता है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर को हर बार इंटरेस्ट पेड करनी होगी, प्रिंसिपल अमाउंट का कंपोनेंट भी पेमेंट करना होगा, तो कंपनी के लिए डिबेंचर में रिस्क है ज्यादा इन कंपेयर टू द शेयर्स। 97 कहता है एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेटवर्थ, परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा है नेटवर्थ से तो डिफरेंस अमाउंट माना जाएगा गुडविल, हमने बिजनेस परचेज कर लिया है महंगा। अगला कहता है 98, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ, फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ का मतलब जब भी एक शेयर होल्डर विदाउट परमिशन ऑफ अदर शेयर होल्डर्स शेयर इजिली ट्रांसफर कर सकता है वो मानी जाती है लिस्टेड पब्लिक कंपनी ऑप्शन ए। 99, परपिचुअल डिबेंचर्स आर ऑल्सो नोन एज, परपिचुअल मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिनका कभी भी रिडम्पशन नहीं होना है, जिन्हें बोलते हैं हम इररिडीमेबल डिबेंचर, ऑप्शन बी। 100, इफ डिबेंचर आर इश्यूड एट लेस देन दी फेस वैल्यू, अगर डिबेंचर फेस वैल्यू से कम पर इश्यू हुए देन डिफरेंस अमाउंट विल बी डेबिटेड इन, कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया फेस वैल्यू से कम अमाउंट पे तो डिफरेंस अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे डिस्काउंट या फिर लॉस में, तो ऑप्शन
सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम भी नहीं है, लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर सही है। अगर हमें डिस्काउंट भी होता तो लॉस और डिस्काउंट दोनों कवर हो जाते। ये मेरा बात थी आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 100। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन के जवाब मिल चुके हैं। इनकेस आपको लगता है कि सर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है या फिर सर हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, उसका भी मैं रिजोल्यूशन निकालने की जल्दी कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे अगले लेक्चर्स में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।